हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 17, जिसमें पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9, सरल दोलन, तरंग गति एवं ध्वनि। अब ये चैप्टर नंबर 9 है हमारी अरिहंत की बुक का। बाकी जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और जो लोग ने अभी तक वीडियो पहले की नहीं देखी है, जाकर के प्लेलिस्ट से सारे वीडियो देख लीजिएगा। मैंने अभी तक 16 वीडियो बना चुकी है पॉलिटेक्निक के फिजिक्स के पार्ट के ऊपर। अभी हमारा है 17वां वीडियो, मतलब लेक्चर 17। अब बात करते हैं सरल लोलक, आवर्त गति, तरंग गति एवं ध्वनि। ये तीनों चैप्टर ही है एक तरह से, लेकिन अब पॉलिटेक्निक का कोर्स है तो इसको एक ही चैप्टर में तीन चीज को मिला दिया गया। अब बात करते हैं आवर्त गति। आवर्त गति क्या होता है? जब पिंड एक निश्चित समय में जब कोई पिंड है एक निश्चित समय में एक निश्चित पथ पर, किसी एक निश्चित मार्ग पर बार बार अपनी गति को दोहराता है तो वो क्या कहलाता है? आवर्त गति। जब कोई एक पथ, कोई पिंड है, वो जब निश्चित गति, निश्चित समय में, एक समय फिक्स है, उतने समय में अपनी गति को बार बार एक ही रास्ते पे दोहराता है तो उस गति को क्या कहते हैं? आवर्त गति। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैराडिक मोशन। अब इसका एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे घड़ी देखी होगी जिसमें घंटे वाली घड़ी होती है, जिसमें पेंडुलम आगे पीछे ऐसे होता है, तो उसको भी आवर्त गति कह सकते हैं, क्योंकि एक बार आता है ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, एक निश्चित समय में वो गति करता है। तो आवर्त गति क्या होता है? जब कोई पिंड एक निश्चित समय में किसी निश्चित पथ पर, पथ पर या मार्ग पर अपनी गति को बार बार दोहराता है तो ऐसी गति को क्या कहते हैं? आवर्त गति कहते हैं। अब बात करते हैं कंपनी गति। आवर्त गति हो गया, सबको उम्मीद है समझ में आ गया होगा, आवर्त गति हो गया। अब यदि कोई पिंड आवर्त गति में एक ही पथ पर किसी निश्चित बिंदु के, जब कोई पिंड किसी आवर्त गति में इधर उधर गति करता है इधर उधर गति करता है तो पिंड की गति कंपनी गति कहलाती है। इसका फिगर मैं समझा दूं, अभी ना देखे समझिएगा। ये कोई बिंदु है, जब कोई आवर्त गति, मतलब कि जब कोई आवर्त गति होती है एक निश्चित समय में एक निश्चित पथ पर अपनी गति को दोहराता है तो आवर्त गति कहते हैं। तो ये ऐसे यहां से ऐसे चल रहा था, तो एक निश्चित बिंदु पर, जब किसी निश्चित बिंदु पर जब इधर उधर बार बार गति करता है या इधर उधर गति करता है, एक बिंदु है, बिंदु को ओ मान लिए, अब इधर जाता है, इधर जाता है, इधर इधर ऐसे जा रहा है, तो इस गति को जब इधर आवर्त गति में जब इधर उधर गति करता है बिंदु किसी निश्चित बिंदु पर, इसको एक निश्चित बिंदु मान लिए, इधर उधर जब गति करता है तो इस गति को क्या कहते हैं? कंपनी गति कहते हैं। इसके लिए ये हो गया डायग्राम। अब सरल लोलक के आवर्त काल का सूत्र, इसका एक सूत्र होता है, आवर्त काल को प्रदर्शित करते हैं टी से, इससे करते हैं टी से। अब टी का सूत्र मैं यहां लिख दे रहा हूं, देखिए टी का सूत्र होता है टी बराबर 2π अंडर रूट एल अपॉन जी। क्या हो गया? एल अपॉन जी। अभी ये मैं आपको बताऊंगा, जैसे समय के साथ एल लंबाई होती है ऐसे बढ़ता है, तो इसका जो ग्राफ होता है वो सीधे समय ग्राफ के बराबर सरल रेखा ग्राफ होता है। इसका ग्राफ मैं आप लोगों को समझा दूं, मान लीजिए ये गति कर रहा है, अब यहाँ पे ये ओ एक मान लीजिए इधर ओरिजिन पे, इसको ये क्या है? एल है, और ये क्या है? टी है। टी किसे कहते हैं? आवर्त काल। मतलब आवर्त काल क्या होता है? टी होता है। इसकी जो गति होती है वो सरल रेखा गति होती है। इसका सूत्र आप लोगों को याद करना है, टी बराबर 2π अंडर रूट एल बाई जी, ये सूत्र होता है। इसमें न्यूमेरिकल वगैरह आएंगे वो मैं आप लोगों को लगाऊंगा। बाकी आवर्त गति में बता दिया, कंपनी गति बता दी, आवर्त गति क्या होती है? जब पिंड एक निश्चित
बिंदु पर एक निश्चित समय में किसी निश्चित पथ पर अपनी गति को दोहराता है तो क्या आवर्त गति होती है, जैसे घड़ी में पेंडुलम होता है, इधर उधर नाचता है, उसे आवर्त गति कहते हैं। कंपनी गति उसी गति में, जैसे बीच में कोई बिंदु रख लिया, इधर जा रहा है इधर जा रहा है इधर जा रहा है इधर जा रहा है, तो ये गति क्या कहलाएगी, कंपनी गति कहलाएगी। अब क्या है, सरल लोलक क्या होता है, सूत्र T1/2πN/g। अब सेकंड लोलक क्या होता है, अब सेकंड लोलक होता है वह सरल लोलक जिसका आवर्त काल 2 सेकंड, जिसका आवर्त काल 2 सेकंड होता है, सेकंड लोलक कहलाता है। सेकंड लोलक क्या होता है, वह सरल लोलक, वह सरल लोलक जिसका आवर्त काल, परिभाषा सेकंड लोलक की, वह सरल लोलक जिसका आवर्त काल 2 सेकंड होता है सरल लोलक कहलाता है। इसकी लंबाई जो होती है वो लगभग 1 मीटर होती है, लंबाई इसकी लगभग 1 मीटर होती है, लगभग 1 मीटर। सेकंड लोलक क्या होता है, सेकंड लोलक वह सरल लोलक जिसका आवर्त काल 2 सेकंड होता है, वो क्या होता है, सेकंड लोलक होता है। तो ऑप्शन में आएगा या तो एमसीक्यू में आएगा, सेकंड लोलक कितने सेकंड का होता है, तो 2 सेकंड का, वह सेकंड 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 लोलक का आवर्त काल कितना होता है, ये बन जाएगा। बस ये दे देना है, सेकंड लोलक वह सरल लोलक जिसका आवर्त काल 2 सेकंड होता है सेकंड लोलक कहलाता है। किसी कोई दिक्कत, मेरे आप लोग के 3 टॉपिक क्लियर हो गए, 4 टॉपिक हो गए। अब बात करेंगे सरल आवर्त गति, सरल आवर्त गति क्या थे। अब मैंने सरल आवर्त गति में ये बता दूं कि जो मैंने आवर्त गति पढ़ाई, दोलन गति है और कंपनिंग गति है, ये सब गति क्या है, सरल लोलक गति, सरल आवर्त गति है। ये जितनी गति भी मैंने बताई हुई, ये क्या है, सरल आवर्त गति है। इनमें कुछ इनमें जो बातें, 3 लक्षण होती है, या गति एक स्थिर बिंदु, या गति एक स्थिर बिंदु के इधर उधर सीधी रेखा में गति करती है, या बिंदु या जो होती है वो किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करती है, या क्या होती है, इधर लाइट चली गई, ब्राइटनेस हो सकता है कम लग रही हो, देखिएगा थोड़ा ध्यान से, या गति। अब इसमें क्या होता है, इसके 3 लक्षण होते हैं, 3 लक्षण, ये 3 लक्षण होते हैं। अब सरल आवर्त गति क्या होती है, जिसमें सरल आवर्त गति, कंपनी का अथवा दोलन गति, सरल आवर्त गति जिसको आप आवर्त गति कह सकते हैं, या फिर कंपनी गति, या फिर दोलन गति, क्या होती है, ये क्या होती है, सरल आवर्त गति होती है, सरल आवर्त गति होती है, सरल आवर्त गति होती है। अब इनके लक्षण होते हैं, 3 मुख्य लक्षण होते हैं, मेन 3 लक्षण होते हैं, या गति एक स्थिर बिंदु, जैसे बताया बताया, या गति एक स्थिर बिंदु के इधर उधर सरल रेखा में गति करती है, क्या करती है, सीधी रेखा में, इधर उधर सीधी रेखा में गति करती है। अब गतिमान वस्तु का त्वरण सदैव उस वस्तु के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है, इसका जो त्वरण होता है, जितना ये विस्थापित होती है उसका क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, ये बढ़ेगा तो वो त्वरण बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगी गति भी, क्या त्वरण बढ़ेगा तो विस्थापन भी बढ़ेगा, अनुक्रमानुपाती का क्या मतलब होता है, ये इस साइड का बढ़ेगा तो इस साइड का भी बढ़ेगा, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, इधर का बढ़ेगा तो इस तरफ का घटेगा, ऐसा होता है। अब अनुक्रमानुपाती होता है मतलब त्वरण बढ़ेगा तो विस्थापन बढ़ेगा, ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात होती है त्वरण की दिशा सदैव साम स्थिति की ओर होती है, इसकी जो दिशा होती है सदैव साम स्थिति की ओर होती है। चलिए तब तक मैं, अब आप लोगों को पढ़ना है तरंग गति, सरल लोलक जो था उससे रिलेटेड जो टॉपिक थे ये कवर हो गए, अब बात करेंगे तरंग गति की, उसके बाद ध्वनि की। चलिए तब तक मैं इसको इरेज करता हूं, अब बात करते हैं तरंग गति के बारे में। अभी तक हम लोगों ने सरल लोलक पढ़ लिया, अब बात करेंगे तरंग गति, उसके बाद करेंगे ध्वनि के बारे में। अब तरंग गति क्या होती है, तरंग गति जब कोई वस्तु किसी माध्यम में, जब कोई वस्तु किसी माध्यम, मान लीजिए गिलास है, गिलास के अंदर कुछ रही तो कुछ रही है, तो यार पानी भरते हैं तो क्या हो गया, कोई माध्यम आ गया। अब ये तरंग वस्तु, तरंग गति जब कोई वस्तु किसी माध्यम में, जब कोई वस्तु किसी माध्यम में गति करती है, तो माध्यम में जब गति करती है तो माध्यम में उनके कणों के गतिमान कर देने से जो उनके समीप कण होते हैं, समीप कण होते हैं जो उनके माध्यम के कणों को गतिमान,
जब कोई वस्तु किसी माध्यम में होती है तो उस माध्यम में जब कोई वस्तु किसी माध्यम में कंपन करती है, कोई वस्तु अगर माध्यम में कंपन कर रही है तो जो उनके आसपास के कण होते हैं, जो उनके समीप के कण होते हैं, तो ये उनको भी गतिमान कर देती है। तो इस प्रकार माध्यम में एक विक्षोभ उत्पन्न होता है, इस प्रकार माध्यम में एक विक्षोभ उत्पन्न होता है, मतलब डिस्टर्बेंस उत्पन्न होता है, मतलब कोई दिक्कत, जैसे कोई बच्चे बहुत हल्ला करते हैं तो कोई पढ़ने वाले बच्चे को डिस्टर्ब होते हैं, उसी तरह डिस्टर्बेंस एक उत्पन्न होता है, उस विक्षोभ को, उस विक्षोभ को क्या कहते हैं, उस विक्षोभ को आगे बढ़ने की प्रक्रिया, उस विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया तरंग गति कहलाती है। तरंग गति क्या होती है, जब कोई वस्तु किसी माध्यम में, जब कोई वस्तु किसी माध्यम में कंपन करती है, जब कोई वस्तु किसी माध्यम में कंपन करती है तो उसके समीप के जो कण होते हैं वो उनको भी गतिमान कर देती है, तो इस कारण एक विक्षोभ उत्पन्न होता है। इस विक्षोभ उत्पन्न होने की प्रक्रिया को, जब आगे बढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं, तरंग गति बोलते हैं। हो गया तरंग गति के प्रकार। अब तरंग गति दो तरह की होती है, अनुप्रस्थ तरंग गति, तरंगे और तरंग गति क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे। अब तरंग दो प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ तरंगे कौन सी होती है, वे तरंगे जिनके माध्यम के कण तरंगों के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, जब वे कण जो तरंगों के चलने की, वे जिनके माध्यम के तरंगों के चलने की दिशा में, वे कण जो उनके माध्यम के तरंगों के चलने की लंबवत दिशा में, जब लंबवत कोई जैसे कोई ऐसे चल रहा है तो उसके लंबवत जब कोई गति करता है, जब कोई कण उनके लंबवत दिशा में कंपन करते हैं तो उसे अनुप्रस्थ, ये ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है, लंबवत होता है। जब कोई कण वे तरंगे जिनमें माध्यम के कण तरंगों के चलने की दिशा के लंबवत, वे कण जो माध्यम किसी वे तरंगे जो माध्यम में उनके कणों के चलने के दिशा के लंबवत गति करते हैं, लंबवत कंपन करते हैं, तो उसे वे कण जो वे तरंगे जो उनके माध्यम में कणों की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं वो क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंगे होती है। अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती है, वे तरंगे जिनमें माध्यम के तरंगे की दिशा, वे तरंगे जिनके माध्यम के तरंगों की दिशा, वे तरंगे जो उनके माध्यम की तरंगों की दिशा के समांतर गति करते हैं, जैसे समांतर कंपन करते हैं, ये क्या था, लंबवत कंपन करते हैं। लंबवत क्या, ऐसे चल रही तो ऐसे उसके ऊपर 90° का कोण बना रही थी, तो 90° का कोण बना रही थी तो लंबवत गति कर रही थी, अब इस जगह क्या है, समांतर गति करती है, मतलब आगे चल के उनको कहीं नहीं मिलना है, मतलब ये ऐसे चल रही है तो दूसरी ऐसे चल रही है, आगे चल के उनको कहीं नहीं मिलना है, जब वो समांतर कंपन करती है तो वो क्या कहलाती है, अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाती है। अब हम बात करेंगे कुछ मुख्य बातें, महत्वपूर्ण बिंदु। अब महत्वपूर्ण बिंदु में, जैसे महत्वपूर्ण बिंदु हम तरंगों के बारे में बात करेंगे, इसमें बात करेंगे आवृत्ति। आवृत्ति क्या होती है, एक सेकंड में हुए कंपन की संख्या आवृत्ति कहलाती है, एक सेकंड में हुए कंपन की संख्या, इसे एन से प्रदर्शित करते हैं, एक सेकंड में जितने कंपन होंगे, जितना दिन जय सेकंड जय चक्कर लगा लेगी जय, एक सेकंड में जितने कंपन होंगे उसे क्या बोलते हैं, आवृत्ति। एक सेकंड में हुए कंपनों की संख्या आवृत्ति। अब तरंगदैर्ध्य क्या होती है, माध्यम के कण के एक कंपन करने लगे समय में तरंगदैर्ध्य जितना दूरी तय करती है उसे तरंगदैर्ध्य कहते हैं। माध्यम के कणों के एक कंपन करने के लगे समय में तरंगे जितना दूरी तय करती है, माध्यम का जो कण होता है, ये एक सेकंड में जितनी गति करेगी, अब एक गति जब एक बार कंपन करती है तो उसमें जितनी दूरी तय होती है उसे क्या बोलते हैं, तरंगदैर्ध्य बोलते हैं। अब तरंग चाल क्या होती है, तरंग द्वारा एक सेकंड में चली गई दूरी तरंग चाल कहलाती है। तरंग द्वारा चले गए एक सेकंड में दूरी कितनी कहलाती है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, समय जब एक रख देंगे तो तरंग चाल कितनी होगी, जितनी दूरी होगी, तो एक सेकंड में चले गई दूरी कितनी होती है, चाल। एक सेकंड में चली गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। तरंग द्वारा एक सेकंड में चली गई दूरी तरंग चाल कहलाती है। अब बात करेंगे यांत्रिक तरंगे क्या होती है, वे तरंगे जो किसी पदार्थ माध्यम में संचित होती है यांत्रिक तरंगे कहलाती है। इनके अनुप्रस्थ तरंगें दो प्रकार की हो सकती हैं,
ये जो तरंग ये हो गया यांत्रिक तरंगें अनुप्रस्थ भी होती है, अनुदैर्ध्य भी होती है, लंबवत भी होती है, समांतर भी होती है। और ये क्या होती है, वे तरंगें जो किसी पदार्थ माध्यम में ठोस द्रव गैस में संचित, ठोस हो द्रव हो गैस हो किसी में हो संचित, वे तरंगे जो किसी माध्यम में ठोस द्रव गैस किसी में भी संचित होती है यांत्रिक तरंगे कहलाती है। और ये अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य दोनों होती है। इस तरह से हमारा तरंग का भी तरंग गति का भी हिस्सा हो गया। ज्यादा एकदम डिटेल तो मैं पढ़ा उतना नहीं जाता, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक ने जो है समझ लेना उसको पढ़ा देता हूँ। ये वीडियो हो सकता है आपका लंबा हो क्योंकि सारे चैप्टरों से ज्यादा इसमें डिटेल में बता रहा हूँ, क्योंकि कमेंट आया था कि सबका डिटेल बताइए, इस वजह से। अब बात करेंगे हम लोग ध्वनि के बारे में, ध्वनि पढ़ेंगे, प्रतिध्वनि पढ़ेंगे, चैप्टर खत्म। इसको इरेज करता हूँ, आगे बात करते। अब बात करेंगे ध्वनि तरंगे और प्रतिध्वनि तरंगे। पहले ध्वनि तरंगे अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया यांत्रिक तरंगे। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे ही होती है, क्योंकि ये किसी माध्यम में संचित होती है। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे ही होती है क्योंकि ये किसी माध्यम में संचित होती है, इसलिए ध्वनि तरंगे क्या होगी, एक लाइन में आता ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे ही होती है क्योंकि ये किसी माध्यम में संचित होती है। और ध्वनि तरंगों की आवृत्ति के आधार पर, इनकी जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति जैसे ये आवृत्ति इस तरह होती है, इसके आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। वर्गीकरण स्रव तरंगे, अस्रव तरंगे और परास्रव तरंगे, इसके बारे में डिटेल नहीं पढ़नी, इसकी जरूरत नहीं है। अब बात करेंगे प्रतिध्वनि तरंगे, ये हो गया प्रतिध्वनि तरंगे। अब प्रतिध्वनि तरंगे क्या, यदि किसी ध्वनि स्रोत में परावर्तन तल की दूरी क्या मान ले, डी मान ले, दूरी अगर हम डी मान लेते हैं तो ध्वनि के परावर्तन तल पर पहुंचने में वापसी में 2D दूरी तय करनी होगी। तो 2D दूरी अगर तय करनी होगी तो प्रतिध्वनि समय टी समय के बाद सुनाई देती है, और अगर टी समय के बाद सुनाई देती है तो क्या हो जाएगा, 2D/V, क्या हो जाएगा, 2D/V, या फिर अगर चाल देखेंगे तो V = 2D/T। इसमें आपको समझना नहीं था, थ्योरी आई थी कि वे तरंग ये ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे ही होती है क्योंकि ये किसी माध्यम में संचित होती है, इसलिए ध्वनि तरंगे क्या, ये यांत्रिक तरंगे होती है और ये किसी माध्यम में संचित होती है, इसलिए ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे होती है। अब इसका प्रतिध्वनि तरंगे इसका समझने नहीं, बस ये याद रखिएगा या तो ये फॉर्मूला लगेगा ना, इसमें न्यूमेरिकल बहुत ही कम होने वाले हैं, इसमें केवल थ्योरी है। बाकी इसके बाद ऑप्टिक्स है, जैसे अब प्रकाश चलेगा वो भी बहुत कम थ्योरी, न्यूमेरिकल सिर्फ थ्योरी है, पढ़ के जाना है, MCQ आराम से हो जाएंगे। और बाकी 2500 नहीं, लेकिन आप 22-23-24 हो जाते हैं अच्छे से सबके कंप्लीट। बाकी जो चैनल पर नए हैं लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिसको जो भी दिक्कत होगी कि मेरा नीचे नंबर चलता है, आप वहां से नीचे मतलब डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वीडियो के भी लाइन में नीचे एनिमेशन लगा चला रहता है, उसमें से नंबर लेके व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। बाकी कोई दिक्कत होगी कमेंट करिएगा, कोई सजेशन होगा तो कमेंट करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।